अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ इत्तेकाफ की तरीका और उसकी बादात शेयर कर रही हूँ। तो ये पहले इत्तेकाफ की नियत करें और ये दुआ मांगें जिस टाइम आप इत्तेकाफ बैठते हैं। नमाज मगरिब अदा करने के बाद दो रकत नफल इत्तेकाफ की नियत से अदा करें। उनको पढ़ने का तरीका भी लिखा हुआ है। 6 रकत नफल जो है अदा करना बाद में, जिसका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर है, दो दो रकत करके अदा करें। उसके बाद नमाज इशा पढ़ें, तरावी पढ़ें और तस्बीह वगैरह पढ़ लें, जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें। बाकी ये रोज़ाना का ही लिखा है कि नमाज तहज्जुद, नमाज फजर अदा करें, कौन कौन से वज़ाइफ करें, किस तरह से पढ़ें। बाकी ये सारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इत्तेकाफ की वज़ाइफ हैं कि नमाज फजर के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का मामूल बना लें, से रिज़क में हिफाजत बरकत होगी। अस्तगफार पढ़ें कसरत से और तादाद भी लिखी है कि रोज़ अगर आप इतना पढ़ें तो आपके इतने हो जाएंगे, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता है। जितनी ज़्यादा इबादत हो सके उतना बेहतर है। सच्ची तौबा और रहमत का वजीफ़ा, मगफरत का वजीफ़ा। इसके अलावा काफ़ी वजीफ़े यहाँ पर दर्ज हैं, क्योंकि इत्तेकाफ में बैठ के इबादत करना ही उसका मकसद होता है, तो जितनी ज़्यादा हो जाए उतना बेहतर है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और जब पढ़ें तो दुआओं में याद रखें। रिज़क में इजाफे के लिए इत्तेकाफ में इस वजीफे को 300 मरतबा पढ़ें। बाकी ये एक है कि एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें इसकी। अल्लाह ताला के नाम है। वीडियो अच्छी लगी।